हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे हेयर स्टाइल जो दिखने में तो बहुत सिंपल लगते हैं बट जब उन्हें बनाओ तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इवन बाल बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं। मेरे नेचुरल हेयर्स हैं, कोई केराटिन वगैरह नहीं कराया हुआ है, तो इनमें तो बहुत ज़्यादा टूटने भी लग जाते हैं कभी कभी अगर आप बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइल ट्राई करोगे। इसीलिए मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सिंपल और जो जल्दी ईजी बन जाए वो ट्राई करूँ। जिस तरीके से ये हेयर स्टाइल दिख रही थी, बनने के बाद तो नो डाउट बहुत ही यूनिक और बहुत अच्छी पोनीटेल थी समर्स के लिए, बट मेहनत बहुत है इसमें। इस तरीके से इसको दो पोनीटेल बनानी है। और इसमें जो ये मेन पार्ट था ना कि आपको हेयर्स के अंदर से जो हेयर्स को लेना होता है, जैसे रबड़ लगा लिया, अब जो नेक्स्ट पार्ट इसका होता है ना, उसमें जब आप पोनीटेल को ओपन करते हो ना, अब ये जैसे मैंने इसमें डाले हैं हेयर्स, ये जब आप रीओपन करते हो ना अपने हेयर्स को, तो बहुत प्रॉब्लम होती है, बाल थोड़े बहुत टूटने भी लगते हैं। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बनने के बाद तो नो डाउट बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी बट ओपन करने में मुझे प्रॉब्लम हुई थी। अब नेक्स्ट हेयर स्टाइल मैं दिखाती हूँ आपको, ये समर के लिए स्पेशल बन जो मैंने ट्राई किया था, किसी वीडियो में देखा था यूट्यूब में, देखने पर मुझे लगा बहुत ईजी है, फटाफट बन जाएगा, इसमें तो कुछ भी नहीं है ऐसा जो नहीं कर सकते हैं हम। बट जब मैंने ट्राई किया तो मुझे लगा कि ये जैसे जिनके बिल्कुल स्ट्रेट हेयर होते हैं लॉन्ग, वो ही ट्राई करें ज़्यादा बेस्ट है। मेरे थोड़े हेयर कटिंग वाले हैं, हेयर कट किया हुआ है तो मुझे प्रॉब्लम हुई। एक बार इसको तो बना ही नहीं है, दूसरी बार मैंने ट्राई किया, फिर मेरा रबड़ नहीं मिल रहा था मुझे, फिर मैंने दोबारा ओपन किए हेयर्स को और फिर मुझे रबड़ मिला। उसके बाद मैंने इन बालों को टक किया, रबड़ से फिक्स किया, बट फिर भी मेरे बाल सेट नहीं हुए। जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं वो निकल आ रहे थे, फिर मैंने पिन से सेट किया, बट फिर भी मुझे लगता है कि वैसा परफेक्ट नहीं बना है जैसा दिखाया गया था।